हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिक आइडिया। आज हम बात करेंगे नज़रिए के महत्व के बारे में कि नज़रिए का महत्व क्या है और इंसान का नज़रिया कैसा होना चाहिए और नज़रिए से क्या फ़र्क पड़ता है उसकी लाइफ पर। तो सबसे पहले मैं एक कहानी से स्टार्ट करना चाहूँगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। एक आदमी मेले में गुब्बारे बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे, इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में उड़ा देता। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारे को देखते तो वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुँच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती, वह उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यह तरीका अपनाता। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसका जैकेट पीछे से खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, अगर आप हवा में किसी काले गुब्बारे को छोड़ें तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के सवाल ने गुब्बारे वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुड़कर उसने जवाब दिया, बेटे, गुब्बारा अपनी रंग की वजह से नहीं उड़ता, बल्कि उसके अंदर भरी चीज़ की वजह से उड़ता है। इसी प्रकार दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज़ हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा नज़रिया बनता है, वहीं हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा नज़रिया हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक शोध में 85% मौक़ों पर इंसान को नौकरी, तरक्की उसके नज़रिए की वजह से मिलती है, जबकि अकलमंदी या खास तथ्य जो उसको हम फैक्ट बोलते हैं या कोई फिगर की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही हमें नौकरी मिलती है या तरक्की मिलती है। ताजुब की बात यह है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने के तथ्यों और आंकड़ों की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के भूत, जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा शिक्षा की मद, कि सारी जो रकम है इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च कर देते हैं। शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। अंग्रेजी भाषा में जो एटीट्यूड है, नज़रिया, सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यवसाय ज़िंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अपने नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? ये सोच के देखिए, क्या कोई आदमी अपने नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? इस सोच के जरूर देखिएगा। हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिए की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिए की जांच परख नहीं करनी चाहिए? क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए, यह नज़रिया हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपने नाम सुना होगा एलोन मस्क, जो एक इंजीनियर रहा और एक अद्भुत व्यक्ति, मतलब उनको जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ले लो, मैनेजमेंट की एबिलिटी ले लो, इनोवेशन का एक अगर चेहरा सबसे पहले नाम नज़र आता है तो वो एलोन मस्क का आता है। एलोन मस्क जो बचपन से बहुत फोकस आदमी था क्या है,
12 साल की उम्र में जो बच्चे 12 साल में कुछ सोच नहीं पाते हैं, उसके पापा 9 साल में की उम्र में उसके पापा ने एक कंप्यूटर और कुछ किताबें दी थी, एक कम प्रोग्रामिंग की किताबें। तो उसने वो किताब 3 महीने के अंदर पूरी किताब पढ़ मारी और उस कंप्यूटर पर एक कंपिटेटिव गेम डिजाइन कर डाला। और 12 साल की उम्र में उसने बेच भी दिया कंपिटेटिव गेम को, उसने एक कंपनी को, गेमिंग कंपनी को बेच दिया। अब सोचिए, नज़रिए देखिए, वो इतना फोकस था कि कई बार वो ग्रुप में बैठे हुए अचानक सोच में खो जाता था। तो उसके बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। बचपन में उसकी इस वजह से उसके माँ बाप ने समझा इसको सुनाई कम देता है, तो उसके कान का ऑपरेशन भी कराया गया। बाद में पता चला कि इसको इसकी फोकस क्षमता इतनी अधिक है कि आसपास में जो हो रहा है वो अगर कुछ सोचने लगता है तो वो उसके दिमाग में कोई प्रभाव नहीं पड़ता आसपास के माहौल का। आपको पता होगा, इसी वजह से एलन मस्क के बचपन में कोई दोस्त नहीं थे, तो वो सारा दिन किताबें पढ़ता रहता था। आप सोच सकते हैं, 15-15, उसके भाई बताता है, उसके भाई ने बताया है इंटरव्यू में कि उसने 15-15 घंटे वो 8-9 साल की उम्र में किताबें पढ़ता था। आपको ये सोचकर बड़ी हंसी आ रही होगी, मतलब हंसी क्या है, अजीब से लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जब वो पेंशन के लिए कनाडा में कॉलेज के लिए, ग्रेजुएशन के लिए कनाडा पहुँचे, कनाडा सेट हुए, तब वो उसके जो दोस्त थे कॉलेज में, दोस्त कुछ बने। तो कॉलेज में दोस्त बनने के बाद उसको वाइल्ड पार्टी करने का बहुत शौक़ था, लेकिन अंडर एज होने की वजह से उनको एंट्री नहीं मिलती थी। तो उसने एक जुगाड़ लगाया, अपने ही घर पे वाइल्ड पार्टी ऑर्गेनाइज की और हर किसी से $5 एंट्री फीस चार्ज किया, जिसकी वजह से उनका खर्चा भी चलता था और रूम रेंट भी चलता था। उनके नज़रिए के एक एग्जांपल लेता हूँ। कॉलेज के बाद 1994 में उन्होंने और अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था Zip2, जो एक ऐसी कंपनी थी जो बिजनेस मैप तैयार करती थी और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे उनको एक नेटवर्क मिलता था। इनका हमेशा नज़रिया ऐसा रहा कि कोई भी चीज़ नई करो, इनोवेशन। बाद में वो कंपनी पाँच साल के अंदर अंदर तकरीबन $307 मिलियन की हो गई, जिसमें एलन मस्क के जितने शेयर थे उसके हिसाब से एलन मस्क को $22 मिलियन मिले। इसके बाद उन्होंने देखा कि बैंकों के बाहर बहुत लंबी लाइनें लगती थी, तो उन्होंने वहीं से जन्म हुआ X.com का, जो कि बाद में PayPal बनी। कैसे बनी? उन्होंने एक ऐसी कंपनी स्थापित कर दी जो कि सिर्फ ईमेल के थ्रू आपको ट्रांजेक्शन देती थी, पैसे निकाल सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे आप, जो कि 2002 में $1.5 बिलियन की खरीद ली गई, जिसमें एलन मस्क के 11.7% शेयर थे, जिसकी वजह से एलन मस्क को $165 मिलियन मिले। अब एलन मस्क बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति हो गए। एलन मस्क के पास खुद का बंगला, गाड़ी, लेकिन उनका नज़रिया अभी पूरा नहीं हुआ था। अब उनको और भी कुछ करना था, उनका नज़रिया था कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया इनोवेशन। तो उन्होंने SpaceX करके एक कंपनी शुरू की, जिसका एक मिशन था कि वो स्पेस में खुद के अपने रॉकेट भेजेंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को पूरा करने के लिए वो रसिया चले गए। रसिया से जब उन्होंने रॉकेट खरीदने के लिए बात की, तो वहाँ पे नॉन निगेसेबल $8 बिलियन के रॉकेट मिल रहे थे, तो वो वहाँ से तुरंत चले आए।
तो उन्होंने कहा कि मैं खुद बनाऊंगा। उनका नज़रिया देखिए, उन्होंने कहा कि मैं रॉकेट खुद बनाऊंगा। अब एक बंदा जो फाइनेंस की फील्ड से डायरेक्ट रॉकेट साइंस की फील्ड में आ जाए और बिना कुछ जानकारी के, तो उसने रात दिन पढ़ के उसके भाई बताते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। जो एक बार देख लेते हैं, लोग बताते हैं कि तो उनके दिमाग में छप जाता है। उन्होंने मेहनत करके रॉकेट बना डाला। रॉकेट बनाने के बाद उन्होंने स्पेस पर भेजा, पहली बार भेजा और वो क्या हुआ, फेल हो गया। दूसरी बार भेजा, वो भी फेल हो गया। तीसरी बार भेजा, वो भी फेल हो गया। अब बताओ, वो बंदा क्या कहते, थक हार के इतना बुरा दौर हो गया। उनकी एक कंपनी और थी टेस्ला, टेस्ला में जो इन्वेस्टर हैं वो भी नहीं मिल रहे थे। अब उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके पास सिर्फ $40 मिलियन बचे। उन्होंने अपने घर को गिरवी रख के उन्होंने कहा कि मैं एक और कोशिश करता हूँ जब तक मेरे पास हिम्मत है। उनका नज़रिया था उनके पास कि मुझे करना है तो करना है। उन्होंने आखिरी ट्राई और किया और चौथी ट्राई में उनका रॉकेट सफल हो गया। इसी सफल होने के बाद उनको $1.5 बिलियन का नासा ने प्रोजेक्ट दे दिया, जिसकी वजह से एलन मस्क आगे बढ़ पाए। आज की डेट में उनका नज़रिया इतना इनोवेटिव है, आज की डेट में एलन मस्क की चार चार कंपनियां चल रही हैं। जैसे आपने सुना होगा बोरिंग कंपनी, जो कि एक ट्रैफिक मैनेजमेंट करके ट्रैफिक रूल्स नियम निर्धारित करती है, ट्रैफिक के ऊपर काम कर रही है। हाइपर लूप आपने सुना होगा, हाइपर लूप एक ऐसी टनल जिसमें 700 मील प्रति हावर तकरीबन 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर सकेंगे, उसके ऊपर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है हाइपर लूप करके। आपने नाम सुना होगा न्यूरालिंक, न्यूरालिंक एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंसानों के दिमाग को नॉर्मल कर सकते हैं, इंसानों को अपाहिज लोगों को ऐसे फीचर के साथ डेवलप कर सकते हैं ताकि वो नॉर्मल लोगों की तरह काम कर सकें, उसके ऊपर काम चल रहा है। OpenAI आपने नाम सुना हो, OpenAI जो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम हो रहा है। और खुद एलन मस्क एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में वो ऐसा धरती के ऊपर स्पेस में एक ऐसा नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं कि दुनिया के हर कोने में इंटरनेट उपलब्ध हो सके। इस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं। तो बंदे का नज़रिया देखिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि लोगों को नज़रिया होना चाहिए, उसी नज़रिए से उनको कामयाबी मिलती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है और आप किस टॉपिक पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो मैं देता रहूँगा। तो अपना नज़रिया बदलिए और आगे बढ़िए।